ये वक्त भी कितना जालिम है, कैसे कैसे इम्तिहान लेता है नम्मा। मनाल ने स्कूल जाना शुरू कर दिया? नहीं अभी नहीं, लेकिन जल्द एडमिशन करवा दूँ। और ये शीबा मैडम कहाँ मिली आपको? मेरे दोस्त हैं ना रशीद भाई, उन्हीं की जानने वाली। अच्छा, तुम जानती हो कि मेरी सारी जमा पूंजी आशी के इलाज पे लग गई थी। रहने की जगह तक नहीं थी, मैं नाल को लेके सड़कों पे घूमता फिरता था। तब रशीद भाई ने कुछ पैसे दिए और शिवा के घर में रहने का बंदोबस्त कर दिया। उस रात कई तकलीफ दे रातों के बाद मिनाल सुकून से सो। फिर मेरी नौकरी लग गई और मिनाल का ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था, तो शिवा ने उसे अपनी बेटी बना लिया और मुझे शादी के लिए प्रपोज कर लिया। मैंने भी ना काफी सोच समझ के हाँ कर दी, कि मुझे लगता है कि मिनाल को माँ की जरूरत है। और शीबा ना माँ की तरह उसका ख्याल रखती है, शीबा जैसी भी है उससे प्यार बात करती है। बस मिनाल की वजह से शादी कर रहा हूँ शीबा से। हम अपने लिए कहाँ जीते हैं नम्मा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मिनाल का क्या हो। मिनाल के नसीब हमारे जैसे नहीं है नदीम भाई। ऐसे ये शीबा मैडम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मिनाल, आपको चॉकलेट चाहिए? तो ठीक है, फिर पहले मुझे मामा बोले। मामा? एक बार फिर बोले। मामा? बेबी जी बोलिए। बेबी जी आप कॉल आई। हेलो, आ गई बहन की याद। मैं तो समझी थी कि शायद तुम भूल गए। मैं ठीक हूं, तुम सुनाओ रूबी और बच्चे कैसे? अच्छा, कब आ रहे हो पाकिस्तान? 4 महीने तो बहुत दूर हैं। जल्दी आ जाते तो शादी भी अटेंड कर लेते। किसकी शादी? आओगे तो खुद ही पता चल जाएगा। हेलो हेलो, कॉल ही काट दी उसने। शायद मेरे भाई को पता चल गया कि मैं शादी कर रही हूं। झटका लगा उसे और उसने फोन बंद कर दिया। मेरे इकलौते भाई की मेरे इस घर पर और मेरी सेविंग पर नजर है। उसे पता है ना कि मैं शादी कर लूंगी तो उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। अमेरिका में बैठा है, उसे तब भी यही फिक्र है। देखा फरीदा, तो सब कुछ पैसा ही होता। नहीं देख, मैं ऐसा करूं, मुझे अच्छी सी चाय पिला। जी जी जी, चॉकलेट खाए? मैं भी खाऊंगी, हाफ हाफ होगी। ओके डन। या एक चाय ले आना भाई। हाँ भाई, क्या बोला वहीद ने? दुश्मनों वाला सलूक किया उसने मेरे साथ। तो क्या हार फूल पहनाता तुझे? मेरा ना दिमाग घूम रहा है सो। मैंने तुझे पहले ही कहा था, अब वहीद तेरी बात नहीं सुनेगा। वो लड़का वहीद नहीं भेजा था, उसी ने उसको मेरी शादी पे भेजा था। यार ये तेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते अब? इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा मेरे दोस्त। मुझे तो लगता है कि निम्मो के मामू को भी उसी ने बताया, लेकिन कितना बताया ये नहीं पता चला। देख, तुमने हम दोनों को भी एक हद तक ही बताया था। मैं और वहीद तो सिर्फ इतना जानते थे कि तुम और रीना एक दूसरे को पसंद करते हो। और तू हैदराबाद में क्यों रहा, मैं तो ये भी नहीं जानता। अरे यार,
हिना के अब्बा की तबीयत खराब थी, उसी की वजह से रहा था मैं वहां। चल भाई, अब तो तू वहीद के पैर पड़ जा, अब एक यही काम बाकी रह गया है। उसे तो मैं अपना असली चेहरा दिखा के रहूं। वाह, कॉल आ गई है मेरी ऑस्ट्रेलिया से। तो क्या, जा रहा हूं मैं अगले हफ्ते। कमाल करता है यार तू, अपने दोस्त को इस हालत में छोड़ के जाएगा? मजबूरी है यार, क्या करूं। समझ नहीं आ रहा यार, वहीद और लड़का मिलके आखिर क्या खेल खेले। बैठो बैठो, आप है ना? राइट जी। सॉरी मैं लेट हो गई, हम लोग प्रेस क्लब के बाहर थे, पूरे सदर में ट्रैफिक जैम था। कोई बात नहीं मैम। अच्छा ये बताओ, तुम हैदराबाद से कब आए? हम लोग कल ही आ गए थे। वैसे तुम्हारे बारे में तुम्हारी दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया था, अब तुम बताओ करना क्या है? मैं उस शख्स को जेल में देखना चाहती हूँ, सजा मिलनी चाहिए उसे। 5 साल हो गए बगैर बताए मुझे छोड़कर चला गया था। औरत कोई खिलौना है क्या, जिससे जब दिल चाह खेला और जब दिल भर गया तो फेंक दिया। जिस दिन मैंने उसे बताया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, उसी रात भाग गया था वो। एक दो लोगों ने कराची में देखा था उसे, अब जाकर पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन ना ही मैंने खुला लिया और ना ही उसने मुझे तलाक दी। मैं आज भी उसकी बीवी हूँ, पर 5 साल से लोगों के ताने सुन रही हूँ। लोग तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं मुझ पर। मुझे अपने बेटे का हक चाहिए उससे। मैं तुम्हारा हक भी लेकर दूंगी, फिक्र ना करो। धोखा दिया उसने मुझे। हम उस पर नानो नफा और फ्रॉड का केस फाइल करेंगे। ऐसा करें मर्दों के इस माशरे में सबक बन जाए। ये एनजीओ मैंने तुम जैसी लड़कियों के लिए बनाई, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो खुद को बहुत मुअज्जज़ और खानदानी जाहिर करते हैं, लेकिन अफसोस बेटा अब तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मामू आपने काशिफ से पूछा घर का क्या हुआ? बेटा वो कह रहा है ना, ढूंढ रहा है, अभी चंद दिन वहीं रहना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो तुम मुझे फौरन फोन कर देना। और हाँ, काशिफ से अभी हैदराबाद की कोई बात मत करना। जी मामू। मुझे भी तो बताओ क्या कहानी चल रही है, दोनों घुमा फिरा कर बातें कर रहे हो। क्या करके आई है ये और क्या है हैदराबाद में? काशिफ ने पहले ही शादी कर रखी थी। क्या? हैदराबाद में उसकी बीवी कराची आ गई है। फिर इसीलिए परेशान होकर आई है, लेकिन ये बात बताई है किसी ने, अभी इस बात का कोई सबूत नहीं आया है सामने। और बेटा तुम भी किसी से कोई बात मत करना, अगर कोई बात हुई तो मैं खुद हनीफ से बात करूंगा। तुमने अपने मामू को बताया कि आज सुबह कहाँ गई थी तुम? कब्रिस्तान गई थी और उसके बाद बचपन की सहेली के घर। सुन रहे हैं, बचपन की सहेली के घर गई थी ये? अरे हाँ हाँ, बताया था इसने मुझे।
क्या हुआ, तुम खाना खाने नहीं आ रहे? भूख नहीं है। फिर तुम जिस तरह से सोचों में डूबे हुए हो लग रहा है उससे। अब अगर वो मिनाल सो नहीं रही है तो मैं उसको यहां ले आता हूं। मिनाल सो गई है और तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि अब मिनाल मुझे मामा कहती है, इसलिए आज से वो मेरे साथ ही सोएगी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं। कोई तकलीफ? अब भूख ना लगने की वजह तकलीफ भी तो हो सकती है। दोस्तों के साथ ऑफिस में डिनर कर लिया था। इंसान को इश्क हो जाए तो तब भी भूख नहीं लगती। शिवा, कोई प्रॉब्लम है? क्या कहना चाहती हो, कह दो। मुझे डर लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे। तुमसे शादी करने का वादा किया, छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं, फिर भी मुझे डर लगता है। एनीवे, तुम्हें अगर भूख लगे तो मुझे बता देना, मैं खाना लगवा दूंगी। निम्मो थोड़ा परेशान रहती है। अरे परेशान तो हमें होना चाहिए कि अभी तक दादी बनने की खुशी नसीब नहीं हुई। मैन, ये तो अल्लाह की देन है। नसीब भी कोई चीज होता है भाई साहब, जब नसीब ही गंदा हो तो कोई क्या करे। दरखास्त है आपसे, आप थोड़ा सख्ती कम करें तो। अरे भाई साहब, क्या हो गया आपको? हम इंसान है, कोई रोबोट तो है नहीं कि अपनी अपनी जगह पर पड़े रहते हैं और एक घर में रहते हैं। थोड़ी बहुत मुंह मारी तो होती है। अगर जानवर भी एक जगह रहते हैं ना तो उनमें भी लड़ाई होती है। बिन माँ बाप की बच्ची है। बस रहने दे, ये आपकी बिन माँ बाप की बच्ची, बिन माँ बाप की बच्ची। अरे बिन माँ बाप की तो मैं भी हूँ, एक ना एक दिन सब नहीं होना होता है। आपने तो रटी लगाई है, बिन माँ बाप, हद हो गई। ऐसी बात नहीं है, घर के सब काम मैं कर रही होती हूँ और भाभी आराम फरमा रही होती है। आराम से नजर आ रहा है बेटा। छम्मी जल्दी करें, टैक्सी वाला नीचे इंतजार कर रहा है हमारा। भाई निम्मो, जरा बता अपने मामू को मैं क्या जुल्म करती हूँ तुम पर, बताओ ना। अरे मेरा ये मतलब नहीं था बहन। अपने तबस्सुम से ज्यादा ख्याल रखती हूँ मैं निम्मो का। मुझसे पहले भाभी को घर में खाना मिल रहा होता है। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। अरे भाभी, हमें भी बहुत कुछ दिख रहा है, रहने दे। बात सुने भाई साहब, सास बहु में ज्यादा प्यार भी हो ना तो लोगों को लगता है कि झगड़ा हो रहा है, जंग हो रही है। उसका रिश्ता ही ऐसा है तो कोई क्या करे। ये बात मैं मानती हूँ कि मुझे थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है और ज्यादा आता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं हर वक्त निम्मो से मुंह मारी करती रहूं, हर वक्त हमारे झगड़े होते रहे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आमीन। अम्मी जल्दी चले ना, टैक्सी वाला इंतजार कर रहा है। हाँ चल। अच्छा भाई साहब, इजाजत दीजिए।
मैं तो कह रहा था नाश्ता करके जाती। बस भाई साहब बस, बहुत मेहमान नवाजी देख ली हमने आपकी। चलो भाई चलो आओ, जल्दी आओ। अच्छा अल्लाह हाफिज। अल्लाह के हवाले बेटा। बताकर तो नहीं आई कुछ? अरे कुछ पूछ रही हो, गूंगी बनी बैठी हो? नहीं कुछ नहीं बताया। भाषण तो तुम्हारा मामू ये लंबे लंबे दे रहा था है? वैसे आपस की बात है, मुमानी भी कुछ कम नहीं है इसकी। मुमानी 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 तो बन नहीं सक रही, माँ बनेंगी। और उस शकीला को देखा था तुमने? कैसी बवे बनाकर आई थी, ताजा ताजा न्यू करके। अरे भाई वो क्या कहते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी मना रही थी ना वो। तौबा क्या होती है मेरी, वो शादी के साल की। हाँ ये चोचले नहीं आते बस। अच्छा बात सुनो, वो बंगालन अम्मा के बारे में तो कुछ नहीं बताया तुमने उन्हें? नहीं। सच कह रही हो ना? ठीक। छकिया अरे अगर बताती ना तो सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान होता, जो वो अमल कर रही है उल्टा हो जाता, समझी तुम? हाँ पता है मुझे, तुम घर चलो, घर चल के बात करती हूँ मैं तुमसे। जी रशीद साहब फरमाइए, कैसे आना हुआ? अरे भाई क्या बताएं, उस हुंडे ने बहुत परेशान कर रखा है। हुंडे ने? जी सर। सर उसका नाम है फराज और ये उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। और वो लड़की कौन है? अब साली है मेरी, बहुत परेशान है बेचारी, क्योंकि ये सब कुछ ना वो अपने ससुराल में नहीं बता सकती, वो उसी को उल्टा बुरा भला समझेंगे। और इस लड़के ने ना उसका जीना हराम करके रखा हुआ है, घर के सामने खड़ा रहता है, आवाज़ें कसता है, आते जाते परेशान करके रखा हुआ है। सर अब तो उसने हद ही कर दी, उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, कहता है अकेले में मिलो वरना तुम्हारे शोहर को उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाऊंगा, बदगुमान करूंगा तुम्हारे खिलाफ। बहुत परेशान है वो, प्लीज प्लीज आप उसकी हेल्प कर दें। ठीक है समझ गया मैं। भाई अब आपने कुछ करना है, आपके मोहल्ले में हो रहा है ये सब कुछ। अवलदार दो बंदे भेजो, करीमदाद को अपने साथ ले जाओ और इस लड़के को उठा के ले आओ। और हाँ इनके लिए चाय के बंदोबस्त फिक्र करो, चाय भेज। अरे नहीं नहीं चाय वाय की जरूरत नहीं है, अरे इतने अरसे बाद आए चाय तो बनती है ना। अरे क्या खरामा खरामा चल रही है, जल्दी आ। आंखें दही करके रख दी, हाथ धो गई। सुनो अपना ये सामान रखो, बाहर निकलकर मशीन लगा लो। अरे पूरा घर धोबी घाट बना हुआ है, इतने मैले कपड़े जमा हो गए, और काशिफ के उठने से पहले ना सारे कपड़े धुल जाने चाहिए। उसके बाद उसे नाश्ता भी बना कर देना है और उसके बाद चाय भी बना लेना। हाँ दो कप बना लेना, मेरे भी सर में बहुत दर्द हो रहा है, हम दोनों मिलकर पियेंगे। जाओ। अरे क्या मुंह दिख रही है, जाओ ना। जी भाई ऐसी चींटी की रफ्तार से यूं करके चलती, सर दुख रहा है मेरा तो। डर गई? मैं भी बहुत डरा डरा रहता हूँ आजकल, पता नहीं कब इल्जाम लगा दो तुम। मैंने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। तुमने ही तो कहा कि मैं किसी हिना को जानता। तो जानते हैं क्या? नहीं जानता यार, ये इल्जाम ही तो है। क्या हो गया?
पतली पतली सी लग रही है बहुत। अभी अपनी अम्मा बंगालन से एक बात तो पूछी नहीं। क्या? अरे यही कि जहर किस टाइम देना है। हाँ तो मैं कल जाके अम्मा बंगालन से पूछ लेती। ओहो अभी आप भूल गई क्या? अम्मा बंगालन ने हमें सख्ती से मना किया था जिस वक्त काम हो जाए ना उसके बाद जाना है उनके पास, उससे पहले नहीं। हाँ तो बात सुनो ना, अमावस की रात शुरू होती है और जब आता हूँ उसके बीच में कोई टाइम कमबख्त मारी को सहर दे देंगे। मैं एक काम करती इंटरनेट पे देखती हूँ अमावस का टाइम क्या है। अरे वाह क्या तनकीद निकाली है जबरदस्त भाई। बड़ी तेज हो गई है तो बस ये काम हो जाए ना तो मजा ही आ जाए। हो जाएगा काम भी। निमो एक बात जहनशीन कर लो अच्छी तरीके से कि मैं किसी हिना को नहीं जानता। तुमसे कहा किसने है? किसने कहा है तुमसे? किसी ने नहीं। ख्वाब में देखा है तुमने? आंटी और तबस्सुम की बातों से। झूठ मत बोलो। हो सकता है कि तुम्हारे मामू को किसी ने भड़काया है मेरे खिलाफ। रुको इसे जानती हो? नहीं मैं नहीं जानती। हमारी शादी में वेटर बना हुआ था। पता नहीं मैं नहीं जानती। इसने ही तुम्हारे मामू को हिना के बारे में बताया। अगर हिना है नहीं तो आप बार बार उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने लिया है उसका नाम। ठीक है ना आप तो ऐसे तासुर दे रहे हैं जैसे हिना वाकई हूँ। नहीं है लेकिन अब मैं इस लड़के को ढूंढूंगा और इससे पूछूंगा कि सच क्या है। आवे यो मियाँ तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी। जी अबू। कल ऑस्ट्रेलिया से फोन आया था। हाँ बेटा हमने तुम्हारी वहां पे शादी तय कर दी है। बस तुम चलने फिरने के काबिल हो जाओ फिर हम सब ऑस्ट्रेलिया चलेंगे। और तुम्हारी शादी ऑस्ट्रेलिया में ही करेंगे। तुम्हें पता है वहां पे रिश्तेदार कितने खुश थे। वहां शादी नहीं करूंगा बहुत बार बता चुका हूँ। फिर तुम्हें करना क्या है? कहां करोगे शादी? यहां करूंगा निमो के साथ। दिमाग खराब हो गया इसका, पागल हो गया ये। ये तुम क्या कह रहे हो? निमो तो शादीशुदा है। है लेकिन रहेगी नहीं क्योंकि बहुत जल्द उसकी तलाक हो जाएगी। क्या 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 कहा तुमने? तलाक होने वाली है? काशिफ की पहली बीवी हिना यहाँ आ चुकी है, अब तो सिर्फ तलाक होगी। उसके बाद मैं निमो से शादी करूंगा और निमो के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। टांग के साथ साथ ना इसका दिमाग भी करेक्ट हो गया। अयूब बेटा अब हमें और परेशान मत करो। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि उसे तलाक ही होगी? होगी। वो कैसे? क्योंकि काशिफ की पहली बीवी हिना को मैंने ही बुलाया था कराची और काशिफ की सारी हकीकत निमो को मैंने ही बताई। वाह 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 बेटा वाह। इसने ही तुम्हारे मामू को हिना के बारे में बताया। अगर हिना है नहीं तो आप बार बार उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने लिया उसका नाम। ठीक
लेकिन आप तो ऐसे तासुर दे रहे हैं जैसे हिना वाकई हूँ। नहीं है, लेकिन अब मैं इस लड़के को ढूंढूंगा और इससे पूछूंगा कि सच क्या है। ये मेरे कपड़े। तो कैसे गुजरे आपके दिन? जवाब नहीं देंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सवालों से बच सकेंगी। भाभी, मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं। तो फिर हम अय्यूब से जवाब मांग लेते। ये आंखें मत दिखाएं भाभी, हम निकाल भी लेते। अपने पुराने मोहल्ले में रही हो, अय्यूब से मुलाकात तो हुई होगी ना? मेरी तबीयत ठीक नहीं, प्लीज जाओ यहां से। अच्छा, अय्यूब का फोन नंबर तो होगा ही, बात तो कराएं जरा। मेरे पास किसी का कोई नंबर नहीं है। सोचो, जिस दिन आशिफ भाई को पता चला कि आप और अय्यूब, तो उस दिन क्या होगा ना? खुदा के लिए प्लीज आप यहां से चली जाए। कपड़े ठीक से हुए हैं? चले बेटा इसको गिराओ भाई, चले 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 भाई, मैंने अबे ठाने नहीं बात होगी, चल बेटा इसको, चल बेटा। अब्बा, मैं नाश्ता ले आई हूँ आपके लिए। आपको बुखार हो रहा है ना, तो इसलिए चाय पाप पिलाएं। बेटा, सफर की थकावट है ना, इस वजह से हल्का पुल्का बुखार आ गया। आप नाश्ता कर लें, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। जब हल्का पुल्का बुखार है, बुखार का शरबत पड़ा हुआ है, पी लूंगा, ठीक हो जाएगा। मैं रात से यही सोच रहा था, काशिफ पे केस करने से पहले हमें इससे एक दफा मिल लेना चाहिए। क्यों? उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। अपने बेटे की शक्ल देखी, दो दिन में कैसा मुरझा गया। मैं काम करूंगी ना, पैसे आएंगे फिर हम कुछ अच्छा घर ले लेंगे। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये कह रहा था कि हमजा बड़ा हो रहा है, कल को बाप का पूछेगा, क्या जवाब दोगी? बोलूंगी तुम्हारा बाप मर गया। देखो बेटा, मुझे जो ठीक लग रहा है ना, वही मैं कह रहा हूं। अब तुम अब भी काशिफ की बीवी हो, अगर वो तुमसे माफी मांगकर तुमको अपने घर के लेके चला जाता है, तो बकिया की जिंदगी आराम से कट जाएगी। जिंदगी उसके बगैर भी तो कट रही है अब्बा,
जब उसकी जरूरत थी तब वो नहीं था। मेरी तो कट गई बेटा, अब मुझे तुम्हारी और हमजा की फिक्र लगी रहती है। एक दफा बात कर लेने में क्या हर्ज है? वो दूसरी शादी कर चुका है अब्बा। हो सकता है कोई छोटा मोटा ठिकाना तुम्हें भी बना दे। वो अगर इतना अच्छा होता तो छोड़कर ना जाता मुझे। देखो बेटा, मुझे एक दफा कोशिश कर लेने दो, कब्र में तुम्हारा गम नहीं रहेगा मुझे। ऐसी बातें मत सोचा करें अब्बा। ये सोच सोच के तो रात भर सो नहीं सका बेटा। मैडम तायरा केस करने वाली है उस पर। उनसे कहो कि हम सुलह करने जा रहे हैं, ठीक है? मोबाइल का, मोबाइल और पर्स निकाल, जल्दी कर, जल्दी ले, जल्दी दे, जल्दी दर्द है, उधर 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 मेरे दर्द है, उधर जल्दी चल, जल्दी दर्द है। शुक्र है कुछ नंबर सिम में सेव थे, सारी एप्स भी से दोबारा डाउनलोड करनी पड़ेगी। सुबह से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, फोन क्यों उठा रहा हूँ? हेलो, सुबह से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? हाँ वो मेरा पुराना मोबाइल खराब हो गया, अभी नया लिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना, मना किया था ना कि मेरी जान छोड़ दो। इतनी रात को तुमने ये कहने के लिए फोन किया? अगर मैं मर गई ना तो मैं लिख कर जाऊंगी कि मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ हुआ क्या है। कौशिक के पास कैसे तुम्हारी तस्वीर आई है? क्या वो तुम्हारा नाम भी जान चुका? ये कैसे हो सकता है? और उसको ये भी पता चल गया कि तुम हमारी शादी पे मेंटर बने हुए थे। बट काशिफ को कौन बता सकता है? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है यूं। अच्छा निमू रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा। खुदा का वास्ता प्लीज तुम कहीं दूर चले जाओ ना, काशिफ तक पहुंच जाएगा। निमू कब तक छुपूंगा, सच एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाएगा ना। मुझ में और कम सहने की हिम्मत नहीं है यूं। मुझे एक बात बताओ, हम दोनों तो मोहब्बत करते थे ना एक दूसरे से, और काशिफ ने तो पहले से शादी कर रखी, उसका गम नहीं है तुम्हें, और मेरा दुख तुम्हें खाया जा रहा है। मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मैं यकीन नहीं करूंगी। हाँ बहुत जल्द तुम्हें हिना से मिलवाऊं, फिर खुद देख लेना। तुम मेरी तकलीफ नहीं समझ सकते आयु। कौन सी तस्वीर काशिफ के पास है? जरूर वो मुझे ढूंढ रहा होगा। हाँ कमरान कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ यार। हाँ तो काम के वक्त ही याद आती है सबको। अच्छा सुन, मैंने ना एक पिक्चर व्हाट्सएप करनी है तुझे, तू जरा अपने सर्कल में घुमा और देख के बता कि लड़का कौन है।
अरे यार कर दूंगा तेरी दावत भाई। नहीं नहीं अर्जेंट काम है इसलिए तुझे कह रहा हूं। ठीक है ओके मैं भेज रहा हूं। खुदा हाफिज। ओ नहीं भाई मुझे जाने दे, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। हेलो कोई है भाई? मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। अबे क्यों शोर मचा के रखा है, बेड़िया खामोशी से। भाई दोपहर से पूछ रहा हूँ क्यों पकड़ा है मुझे, कोई बता नहीं रहा, कोई कुछ बता नहीं रहा, कुछ बता तो दे। सुबह साहब आकर बताएंगे, बेड़िया खामोशी से। मुझे फोन करना है, मेरा मोबाइल दो, मेरी माँ परेशान हो रही होगी। अभी लटकाऊ तुझे उल्टा, चल शोर मत कर अब सो जा। जी समझ नहीं आ रहा क्यों पकड़े मुझे, कहीं तबस्सुम के भाई काशिक ने तो नहीं पकड़वाया? मैं खाना गर्म करूं? नहीं, क्या हुआ, नींद आ रही है बहुत? नहीं वो एक्चुअली घर के काम कर रही थी ना तो थकन हो गई। तुम कह रहे हो कि तुम्हें थकन हो गई थी लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तुम बहुत परेशान। नहीं वो सर में थोड़ी सी दर्द थी इसलिए शायद आपको परेशान लग रहा है। अच्छा चलो मान लेते हैं। एक बात बताओ, इसे जानती हो? नहीं। नहीं पक्की बात? साफ साफ बोल लेना क्या बात है। इसी ने तुम्हें हिना के बारे में बताया था ना?